गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंग्लिश के वर्ड पावर क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। आज टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आया तो सोचा चलो आज कुछ रन पर ही कुछ क्लास ले लेते हैं। तो मन में आया कि चलो रेड कलर पर एक लेते हैं, बड़ा ही कॉमन कलर है रेड कलर। रेड कलर ट्रैफिक में देखो, रेड कलर शादी ब्याह में देखो, रेड कलर पैर में आलता लगाओ, रेड कलर। तो मैंने सोचा कि चलो आज रेड कलर पर कुछ बना ही दिया जाए। आज 6 अगस्त है 2020, ये दिन ऐसे भी इम्पोर्टेंट है। 6 अगस्त और 9 अगस्त जापान पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम गिराया था, एटम बम। तो इस वजह से भी ये 6 अगस्त और 9 अगस्त इम्पोर्टेंट है। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 को नागासाकी याद रखने के लिए, 9 से नागासाकी याद रखोगे आप लोग तो। हिरोशिमा और नागासाकी दो ऐसे स्टेट्स थे जो जापान कंट्री के, वहां पर अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर पॉलिटी में देखा हो तो रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का तो मतलब ऐसा होता है कि बहुत ही खास दिन, वेरी इंपॉर्टेंट डे या डे ऑफ हैप्पीनेस होता है। लेकिन उस हिसाब से तो फिर उसको भी अगर आप देखोगे तो रेड लेटर डे ही काउंट होगा, क्योंकि वो जो गिराया गया था बॉम्ब, वह उसके बाद या जनरली होता है कहीं पर टेररिस्ट अटैक हो गया तो उस क्षेत्र को जो होता है वहां पे रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। मतलब रेड अलर्ट का मतलब आप समझ लो कि जहां पर कुछ डेंजरस हो गया हो, उस तरह का माहौल क्रिएट हो गया हो, तो जिसको कह सकते हैं सब सतर्क हो जाओ, तो उसको आप लोग रेड अलर्ट एरिया भी बोल देते हो। तो याद रखिएगा, रेड लेटर डे मतलब वेरी इंपॉर्टेंट डे, अ डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, ठीक है। तो हमारा अभी 15 अगस्त को आने वाला है रेड लेटर डे। 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सभी दिनों जो है रेड लेटर डे में काउंट किए जाते हैं हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। रेड अलर्ट जैसे अभी आ गया था, संसद पर अटैक हुआ था 2001 में, फिर अमेरिका में जो हो गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो वो हुआ, तो वो रेड अलर्ट वाला क्षेत्र हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि चूंकि मैंने रेड को 3-4 भागों में बांटा है, एक्चुअली रेड को पढ़ने का मैंने तरीका थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने देखा कि रेड से देखते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बहुत सारा डाइवर्सिफाइड क्षेत्र है, तो सभी क्षेत्रों में किन किन वर्ड्स का इस्तेमाल रेड के साथ में हो रहा है। तो कुछ वर्ड्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं वो साइंस के हिसाब से लिखे हुए हैं, पॉलिटी में भी कुछ वर्ड्स के इस्तेमाल किए गए, और भी वर्ड्स हैं, मैंने बस थोड़े से शब्दों का इस्तेमाल किया यहाँ पे, और इकोनॉमी में भी हम लोग कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं। तो हमारे क्लास में जो है कि सभी वर्ड्स को अभी हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। तो इकोनॉमी में भी देख लो, एक रेड इंक लीजिए, से मिल जाए लाल लाल स्याही, तो रेड इंक का मतलब लाल स्याही। तो देखो भाई मेरे, बिजनेस जब चलता है तो वहां पर रेड का कोई गुंजाइश नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं रेड मार्क हो गया, जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन में भी अगर रेड मार्क नीचे लिखा हुआ है या बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ लो कुछ अब नॉर्मल होने वाला है। तो इकोनॉमी में रेड इंक का इस्तेमाल हो गया, इसका मतलब ग्रेट बिजनेस लॉस की बात कर रहे हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं? बिजनेस लॉस की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस लॉस में रेड इंक का मतलब हो गया बिजनेस लॉस, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक वर्ड देखो, फेमिलियर वर्ड थोड़ा सा है, रेड पैकेट, लाल पैकेट। देखिए शादी ब्याह में आप लोग जाते हो, ठीक है, कुछ लोग गिफ्ट लेके जाते हैं, सामान वामान हो गया, टीवी फ्रिज, देने वाले तो बहुत कुछ दे देते हैं, सोना चांदी हीरा चाप पहन देते हैं, कुछ लोग पैसे भी देते हैं। तो पैसे को एक बक्सा में, वो एनवेलप में लेके जाते हैं, लाल एनवेलप होता है भाई, जनरली लाल ही होना चाहिए और लाल रहता भी है, उस पर 1 रुपए का सिक्का लगा रहता है। तो वह जो बक्सा होता है जिसमें कि तो ये जो शादी ब्याह में जो देने वाला पैकेट होता है उसको आप लोग रेड पैकेट बोलते हो। अब ये थोड़ा सा देखो, रेड फेसेड, लाल पूरा चेहरा जो है तमतमाया हुआ है आपका, गुस्सा से आपका चेहरा लाल है, रेड फेसेड। फेस हैज बिकम रेड, व्हाई? ड्यू टू, ठीक है, दो वजह से आपका चेहरा लाल हो सकता है, चाहे तो आप डरे हुए हो या दूसरा है कि आप बहुत गुस्सा हो, ड्यू टू वेरी एंग्री या यू आर फ्राइटेंड। तो दो वजह से आपका चेहरा लाल हो सकता है, या तो आप डरे हुए हैं रेड फेस है, या फिर आप जो है बहुत ही गुस्साए हुए। रेड हैंडेड,
जनरली ये वर्ड बड़ा कॉमन यूज करते हैं, रेड हैंडेड, रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ा गया, रेड हैंडेड ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली इंग्लिश में। रेड हैंडेड मतलब रंगा हाथ। रेड हेडेड, अब एक रेड हेडेड और रेड हैंडेड में फर्क है, ये तो रंगे हाथ हो गया, लेकिन इसका मतलब हो गया, रेड हेडेड का मतलब हो जाता है आपका जिसके सर पे जो बाल अगर लाल रंग का है तो उसको आप कहते हैं रेड हेडेड। रेड हेडेड का मतलब जिसके सर का बाल का रंग लाल हो। और एक होता है रेड हॉट, तो रेड हॉट का मतलब हो गया लाल गर्म, तो रेड हॉट कोल भी हो सकता है, कोयला जो है आप देखिएगा बड़ा सुलगता रहता है तो उसको रेड हॉट कोल बोलते हैं। तो ये जो एक्चुअली आज मैं कर क्या रहा हूँ, मैं रेड से रिलेटेड वर्ड्स को आपको बता रहा हूँ। तो आप देखो रेड इंक मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। रेड इंक का मतलब होता है बिजनेस लॉस। रेड पैकेट शादी ब्याह वाला हुआ, एनवेलप जिसमें आप पैसे आप देते हो गिफ्ट के रूप में। रेड फैसेट का मतलब हो गया जिसका चेहरा बिल्कुल गुस्से से या डर से लाल पड़ा हुआ है। रेड हैंडेड का मतलब हो गया लाल, मतलब रंगे हाथ पकड़े जाना। रेड हेडेड जिसके सर का बाल जो है कि सफेद लाल रंग का है। और रेड हॉट का मतलब हो गया आपका इसको कह सकते हैं कि बहुत गर्म। एक स्पोर्ट्स में भी आप इस्तेमाल करते हैं, फुटबॉल के खेल में रेड कार्ड दिखा दिया जाता है। दो तरह का कार्ड होता है, पहले तो एक माइनर रूल्स होते हैं फुटबॉल के, अगर वो रूल्स माइनर फॉल्ट हुआ हो वो स्पोर्ट्स प्लेयर से फुटबॉलर से तो पहले तो येलो कार्ड दिखाया जाता है। जब वही गलती रिपीट करता है सेकंड टाइम तो फिर डबल येलो कार्ड नहीं होना चाहिए, तो येलो के साथ रेड कार्ड ऑटोमेटिक, इसका मतलब वो डिफॉल्टर हो गया, अब उसको स्पोर्ट्स से वहां से हट के निकलना पड़ेगा। तो रेड कार्ड जनरली बचना चाहिए स्पोर्ट्समैन को। तो ये मैंने वीडियो वन बनाया है आप लोगों के लिए, मैं अभी एक दो वीडियो और ही इस रेड कलर पे ही बनाने जा रहा हूँ। कृपया इस पर फोकस बनाए रखिए, ध्यान देते रहिए।